नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। और देखिए, बात हम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। जिस तरह के कल परिणाम सामने आए हैं, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जहां एक तरफ अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो देश भर में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मध्य प्रदेश पे अगर ध्यान दिया जाए तो मध्य प्रदेश की 29 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर दिया है। यहां तक कि पिछली बार की बात की जाए, अगर पिछले चुनाव 2019 की, तब इकलौती सीट छिंदवाड़ा सीट जो थी, वो भी इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली है। नकुलनाथ यहां से चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता इस बार चुनावी मैदान में थे, चाहे आप बात कर लीजिए राजगढ़ से दिग्विजय सिंह की, चाहे नकुलनाथ की, लेकिन नकुलनाथ भले चुनाव लड़ रहे थे चुनाव, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ ही लड़ रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा। पिछले 44 साल से उनका यहां पर कब्जा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां सेंधमारी कर दी है और बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने यहां पर अच्छी खासे मतों से जीत दर्ज की है। 1 लाख जीत का अंतर रहा है। मेरे साथ मेरी सहयोगी अंकिता भी मौजूद हैं। अंकिता, एक एक कर अगर हम इस सीटों की बात करें, इन सीटों पर चर्चाएं करें, तो सबसे पहले छिंदवाड़ा की ही बात अगर की जाती है, क्योंकि छिंदवाड़ा इकलौती ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस के कब्जे में थी, कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, ऊपर से नकुलनाथ यहां से प्रत्याशी थे, चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि यहां से जो है, जब एग्जिट पोल हमने देखे, तो हमने TV9 के अलावा जो एग्जिट पोल बाकी आए थे, उसमें यह से देखा जा रहा था कि 28 सीटें बीजेपी और एक सीट मानी जा रही थी कि कांग्रेस अपने खाते में ले जाएगी, और उम्मीद जताई जा रही थी कि वो एक सीट नकुलनाथ की सीट हो सकती है, यानी कि छिंदवाड़ा सीट हो सकती है। लेकिन अब जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, क्या कारण लगते हैं कि नकुलनाथ हार गए अपनी सीट से? अंजलि, वाकई में कांग्रेस के लिए जो परिणाम इस बार के लोकसभा चुनाव में आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, और साथ में ये भी बताते हैं कि कांग्रेस में जो लोग कहते हैं कि अंतरकला है और गुटबाजी है, कहीं ना कहीं ये उसके मिले जुले परिणाम है। आप देखिए, अगर हम छिंदवाड़ा की बात करते हैं तो छिंदवाड़ा, जैसा कि आपने कहा कि कमलनाथ का गढ़ है, बीते करीब 45 साल से कमलनाथ यहाँ पे एक छत्र राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ एक चुनाव ऐसा था, वो भी 27 साल पहले, जब कमलनाथ को यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन बस कुछ समय के लिए वो हारे और उसके बाद उन्होंने अगली बार एक शानदार वापसी की थी सुरेंद्र पटवा को हरा के। उसके बाद से लगातार कमलनाथ यहाँ पे जीतते आ रहे हैं। कमलनाथ जब पिछली सरकार में 2018 में जब विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीती थी, 15 साल का सूखा कांग्रेस का जब खत्म हुआ था, और उसके बाद जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने, उसके बाद जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, तो उन्होंने अपनी सीट पर अपने बेटे नकुलनाथ को लड़ाया था। अगर हम छिंदवाड़ा में कांग्रेस की हार के कारण देखें, तो एक जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण यह है कि वहां पे भले ही नकुलनाथ का चेहरा आगे था, भले ही नकुलनाथ एक बार 2019 में लोकसभा का चुनाव जीते, सांसद बने, लेकिन वो साफ तौर पे सक्रिय राजनीति में नहीं थे। वो जब भी कभी आपने देखा होगा, गौर फरमाया होगा, किसी सियासी मंच पर जब वो नजर आते थे तो हमेशा अपने पिता के साथ ही नजर आते थे। वो किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हो, किसी सभा में शामिल हो रहे हो, वो हमेशा अपने पिता के साथ ही मौजूद रहा करते थे। कभी अपने पिता से इतर जाके उन्होंने पार्टी की गतिविधियों में या किसी सियासी कार्यक्रम में वो नहीं गए, किसी सियासी मंच को उन्होंने अकेले साझा नहीं किया। तो वो कमलनाथ की परछाई बनकर ही रहे हैं, जो भी होता था कमलनाथ उसमें आगे होते थे। तो एक सबसे बड़ा जो सियासी कारण जो नकुलनाथ की हार का है, वो एक कारण ये भी है कि नकुलनाथ का वहां पे खुद की कोई पहचान नहीं है। नकुलनाथ भले ही चुनाव मैदान में थे, लेकिन कमलनाथ की वजह से, कमलनाथ को देखकर ही वहां पे जनता अब तक वोट देती आ रही है। और 2019 के चुनाव में अगर नकुलनाथ वहां से सांसद चुने गए थे, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके पिता की राजनीतिक भूमिका, इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के तौर पर कमलनाथ जाने जाते हैं, जिसका फायदा उन्हें लगातार मिलता रहा इन 45 सालों में, वो जीतते रहे। अगर हम इसका दूसरा कारण देखें, तो भाजपा ने परिवारवाद का जो मुद्दा है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाया है। भाजपा की इस बार छिंदवाड़ा को जीतने की जो रणनीति रही, वो 2023 के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही शुरू हो गई थी। आप देखिए, जब तक सीएम की घोषणा नहीं हुई थी, तब तक शिवराज सिंह चौहान प्रबल दावेदार माने जा रहे थे सीएम के, कि पांचवी बार भी वो सीएम बनेंगे। और वो भले ही सीएम की घोषणा न हुई हो, शिवराज सीएम नहीं घोषित हुए थे, मोहन यादव सीएम का नाम नहीं आया था, मोहन यादव का, और शिवराज ने सबसे पहले जाकर अगर किसी जिले का दौरा किया था तो वो छिंदवाड़ा था। निकाय चुनाव में बिल्कुल जो बीजेपी का जो सबसे ज्यादा फोकस था वो छिंदवाड़ा था। तो
परिवारवाद का जो एक मुद्दा था वो बीजेपी ने बहुत प्रबल तरीके से छिंदवाड़ा में उठाया, जिसका फायदा इस बार भाजपा को मिला है। एक ऐसी सीट जिसे 27 साल से जो भाजपा के लिए चुनौती बन गई थी, भाजपा ने इस बार उस अभेद्य किले को एकदम भेद दिया और अपने पाले में कर लिया। बीजेपी ने नकुल नाथ को इस तरह से प्रेजेंट किया कि यहाँ पे भाई कांग्रेस का परिवारवाद चल रहा है। पहले 45 साल में कमलनाथ खुद यहाँ से चुनाव लड़ते और वो जीतते आ रहे थे, उसके बाद जब वो नहीं लड़े तो उनकी पत्नी अलका नाथ लड़ी और वो यहाँ से जीती, और अब पिता और माता के बाद अब पुत्र को कमलनाथ ने आगे कर दिया। तो एक प्रकार से इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया गया जनता को। फिर विवेक बंटी साहू को जो प्रेजेंट किया भाजपा ने, वो एकदम बेटे के तौर पे किया कि नहीं। और विकास का मुद्दा, एक विकास का मुद्दा भी बहुत हावी था भाजपा ने। ये बहुत वो कहा, कमलनाथ भले ही कहते थे कि छिंदवाड़ा मॉडल छिंदवाड़ा मॉडल, जब 2018 में कांग्रेस ने वापसी की तो कहा गया कि हम मध्य प्रदेश का विकास, कांग्रेस ने ये कहा कि हम मध्य प्रदेश का विकास छिंदवाड़ा मॉडल की तर्ज पर करेंगे, लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने छिंदवाड़ा मॉडल की एकदम धज्जियां उड़ा दी। हम अगर कहें तो भाजपा ने ये कहा कि भाई छिंदवाड़ा में तो कोई विकास नहीं हुआ, जहां तक जनता ने भी कहा कि छिंदवाड़ा में कोई विकास नहीं हुआ, और विवेक बंटी साहू को वहां के बेटे के तौर पर प्रेजेंट करके भाजपा ने ये कहा कि भाई हम इसे बहुत ही बेहतर तरीके से भोपाल और इंदौर की तरह छिंदवाड़ा का भी विकास करेंगे। एक सबसे बड़ा कारण ये था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्थानीय मुद्दे भी छिंदवाड़ा में कांग्रेस की हार के बड़े कारण है, और फिर राष्ट्रीय मुद्दे तो है ही, बिल्कुल जैसे अंजलि, ये दो तीन कारण आपने बताए कि नकुलनाथ, जिस तरह से एक तरह से कहा जाए कि नकुलनाथ की जो पर्सनैलिटी रही है वो एक तरह से उनकी छवि इसी तरह की रही है। वो भले ही अभी मौजूदा सांसद थे, लेकिन जब भी वो गांव में जाते थे या जनता से बात करते थे तो एक तरह से ऐसा देखा जाता था कि वीआईपी विजिट है, अपनों से ही घिरे वो नजर आते थे। कमलनाथ के जो बेटे नकुलनाथ है, दूसरा एक सबसे अमीर सांसद भी वो रहे हैं। एक तरह से उनकी छवि ना जनता के बीच में ऐसी हो गई थी कि वो डायरेक्ट घुल मिल नहीं पाते थे। और मैंने तो यहां तक भी सुना है कि स्थानीय नेता हो गए या कई कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता थे जिनको नकुलनाथ नाम से भी नहीं जानते थे, उनका नाम वो याद नहीं रख पाते थे, इसीलिए उनकी छवि थोड़ा सा पर्सनैलिटी जो है नकुलनाथ की उस तरीके की थी। जबकि कमलनाथ के बारे में ये बात एकदम उलट है। कमलनाथ जनता से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते थे, कमलनाथ की खुद की पर्सनैलिटी बहुत ऐसी थी कि जनता को जानते थे, पहचानते थे छिंदवाड़ा में। इसी वजह से उनका 44 साल तक जो वर्चस्व रहा शायद यही कारण थे। लेकिन नकुलनाथ में वो क्वालिटी कहीं ना कहीं कम देखी गई है। उस तरीके से उनका जनता से कनेक्शन नहीं हो पाता था या वो तालमेल नहीं बैठा पाते थे कि घुल मिल सके। और यही कारण रहे हैं कुछ कारण कि जो है छिंदवाड़ा सीट यहां से जो है कांग्रेस के हाथों तो चली गई। वहीं दूसरी तरफ आप बात कर रही हैं विवेक बंटी साहू की, तो विवेक बंटी साहू के साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि जिन गांव देहात में कांग्रेस का एकदम कोर कार्यकर्ता भी हुआ करता था, वो भी कहीं ना कहीं विवेक बंटी साहू से खुश हो गया। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं विवेक बंटी साहू कब से चुनावी मैदान में है। 2 बार वो चुनाव हार चुके हैं, खुद पिछली बार विधानसभा चुनाव में कमलनाथ से चुनाव हारे थे, जबकि मात्र 34,000 वोट का अंतर रहा था, वो कमलनाथ से चुनाव हारे। उसके बावजूद भी बीजेपी की क्वालिटी है कि बीजेपी ने वहां से अपना नेता नहीं बदला। स्थानीय नेता जो विवेक बंटी साहू थे उन्हीं के चेहरे पर दोबारा दाव खेला, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव भले विवेक बंटी साहू हारे थे लेकिन वो अंतर इतना ज्यादा नहीं था। जाहिर सी बात है लोकसभा में उसका असर देखने को मिला स्थानीय नेता का। तीसरा कारण ये भी है अंकिता कि जहां एक तरफ कमलनाथ और नकुलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा में लगे रहे, प्रचार करते रहे, दूसरी तरफ उनके जो सहयोगी हैं उन पर ध्यान ही नहीं गया, उनके सहयोगियों को बीजेपी अपने में शामिल करती रही। दीपक सक्सेना जिन इतने बड़े कमलनाथ के इतने करीबी रहे हैं, दीपक सक्सेना, जब दीपक सक्सेना जैसे जिन्होंने कमलनाथ के लिए इस्तीफा तक दे दिया था वो जब बीजेपी में शामिल हो गए तो लगता है कहीं ना कहीं ये कमी रह गई कमलनाथ और नकुलनाथ में कि वो प्रचार में लगे रहे, रणनीति बनाते रहे, लेकिन अपने ही सहयोगी अपने ही करीबियों पर ध्यान नहीं दे पाए, जिसकी वजह से बीजेपी ने इसी बात का फायदा उठाया। और बीजेपी कहीं ना कहीं हर दिन ही कांग्रेस के कई नेताओं कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करती रही। एक पांचवा कारण मुझे ऐसा भी लगता है कि बीजेपी की जिस तरह से एकजुटता रही है वो सबसे बड़ा कारण देखने को मिला है। आपको याद हो कि जब छिंदवाड़ा में पहले चरण में ही चुनाव हुए थे, चुनाव से 15 दिन पहले तक कैलाश विजयवर्गीय ने पूरी तरह से छिंदवाड़ा में डेरा जमा लिया था। कैलाश विजयवर्गीय वहां से हिले नहीं थे। जितने दिन कैलाश विजयवर्गीय वहां रहे, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो चाहे बीडी शर्मा हो, हर दिन हमने ये खबर सुनी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में लगातार शामिल हो रहे हैं। तो ये एक तरफ से लगातार प्रयास करते रहे बीजेपी का, ये लगातार प्रयास करना, वो भी अभी से नहीं, पिछले 5 से 6 सालों से, जब से पिछली बार के चुनाव के नतीजे आए कि
2019 में छिंदवाड़ा सीट रह गई, तभी से ये प्रयास जारी था। इस प्रयास की वजह से अब देखिए एक चीज ये भी देखने को मिल सकती है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सारी सीटें कांग्रेस के पास है अभी छिंदवाड़ा की, इस पर भी इस हार का असर देखने को मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल अंजलि, अगले चुनाव में हो सकता है कि विधानसभा में कांग्रेस को या तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो कांग्रेस बहुत ही बेहतर तरीके से वापसी करे, या फिर यह हो सकता है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत और घट जाए, उसकी सीटें और घट जाए। और जैसा कि आपने कहा कि नकुल नाथ अपनी पर्सनैलिटी को उस तरह डेवलप नहीं कर पाए, ये बिल्कुल सही बात है। और एक चीज ये है सबसे बड़ी कि राजनीति में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको सतत प्रयास करने की बहुत जरूरत होती है। कांग्रेस ने ऐसे सतत प्रयास नहीं किए। कांग्रेस को भाजपा बिल्कुल आक्रामक मोड में थी कांग्रेस को तोड़ने की, और भाजपा ने 2019 से लेके 2024 तक में साम दाम दंड भेद की पूरी नीतियां अपनाई हैं। राजनीति में सफलता के लिए आपको हर स्तर पर प्रयास करना जरूरी होता है, आपको बूथ लेवल पे काम करना जरूरी होता है, आपको बड़े लेवल पे भी काम करना जरूरी होता है। अगर लोकसभा का जो चुनाव है तो लोकसभा का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप एक विधानसभा में चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन आपको 7-8 विधानसभा में जीतना, तब जाके आप लोकसभा का चुनाव जीत पाते हैं, तब जाके आप सांसद बन पाते हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इन चीजों में पीछे रही। बीजेपी लगातार कांग्रेस को तोड़ती रही, हर दिन हमने ये खबरें देखी। पिछले अगर हम 90 दिनों की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा का दामन थाम रहे थे। कई जगह ऐसा हो रहा था कि पूरा बूथ कार्यकर्ता पूरा उठकर चला जा रहा है। तो कांग्रेस बूथ कार्यकर्ताओं को उस तरह से रिचार्ज नहीं कर पाई, और बूथ कार्यकर्ता का रिचार्ज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बात भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, और आला कमान भी ये बात जानता है। जैसे ही मध्य प्रदेश में पहले और दूसरे चरण का मतदान हुआ और वोट प्रतिशत घटा, तो सबसे पहले आप चाहे देख लीजिए जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, दोनों ने ही मध्य प्रदेश का रुख किया, पार्टी नेताओं की पूरी बैठक बुलाई और उन्हें हिदायत दी कि भाई वोट प्रतिशत को बढ़ाना है, बूथ कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना। उन्होंने ये मंत्र दिया कि बूथ कार्यकर्ताओं को कैसे रिचार्ज करना है, कैसे उन्हें एकजुट करना है। तो अगर कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी हो तो एकजुटता सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका फोकस पूरा ध्यान होना चाहिए, और 2024 के चुनाव में भाजपा ने ये बता दिया कि उनका सीधा फोकस मध्य प्रदेश की सिर्फ बिल्कुल 28 देखिए सीटों पर अंकिता, नहीं बिल्कुल बल्कि यही 19 कारण सीटों रहा पर है जीतना कि जरूरी है। बिल्कुल अंकिता और यही कारण रहा है कि भले ही देश भर में इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। चलिए ये बात हो गई हमारी छिंदवाड़ा सीट की। अब अगर बात करें राजगढ़ सीट पर, तो राघोगढ़